दोस्तों बात करने वाले हैं IRB इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के बारे में। भाई कल बजट है, बजट से पहले आज स्टॉक ने भाई 1.5% की तेजी के साथ क्लोजिंग करी है। बड़ी तेजी नहीं है, 68 रुपए पे आ चुका है, बट फिर भी अगर बताओ नहीं तो बताओ तो भाई कल के अंदर स्टॉक फोकस में रहेगा। एंड कल यहाँ से हमें एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि भाई कल बजट है, 11 बजे बजट रहेगा। एंड दोस्तों आज मार्केट की वोलेटिलिटी के पीछे अगर वजह बताऊँ मैं तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे जो रिपोर्ट है ना भाई, जैसा कि बता दूं मैं आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो बेरोजगारी वगैरह है एंड यहाँ से जो आपका इन्फ्लेशन वगैरह है इनको लेकर चिंता का विषय बताया गया है। एंड यहाँ से इसको लेकर आप देखोगे तो मार्केट ने थोड़ा सा डर दिया है, मतलब मार्केट थोड़ा सा डर में है। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर अभी के टाइम बता दूं मैं तो IRB इन्फ्रा देखो दोस्तों एक चीज समझना मेरी, मार्केट में क्या होता है कि पैसा निकलता नहीं है मार्केट से, मार्केट में पैसा शिफ्ट होता है। मान के चलो अभी के टाइम रेलवे के शेयर चल रहे हैं, अब जैसे ही रेलवे के रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बाई चांस मैं चीजें समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो ठीक है ना, इंफ्रा के रिलेटेड अगर अनाउंसमेंट हो गया लगेगा लोगों को कि भाई आगे जाके पैसा इंफ्रा में मिलेगा तो क्या करेंगे लोग, पैसा निकालेंगे एंड कहाँ पे लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगाएंगे तो इंफ्रा बढ़ जाएगा। तो ऐसा चलता है भाई अभी के टाइम अगर बता दूं मैं पिछले 5 साल से अब तक जो मोदी जी की गवर्नमेंट आई है ना दोस्तों, पिछली गवर्नमेंट से लेकर मतलब ये नई गवर्नमेंट इस टाइम इसमें अगर बताऊँ ना मैं तो इंफ्रा को लेकर अभी ये टाइम तगड़े पेस लिए जा रहे हैं। एंड आप देख लेना इस बजट के अंदर ही आपको इंफ्रा का जो बजट है ना वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। एंड देखना कल 11 बजे बजट है ठीक है ना, 11 बजे बजट, 11 बजे से बजट सुनना, शेयरों में यहाँ पे जो वोलेटिलिटी है वो सुबह स्टार्ट हो जाएगी, जो खरीद बिक्री वो हमें देखने को मिल जाएगी। अब देखो आज स्टॉक में हमें अच्छी खासी यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आई है। एंड जैसा कि बता दूं मैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी रही है, स्टॉक की जो वॉल्यूम थी आज 4 करोड़ 15 लाख की टोटल वॉल्यूम रही है, जिसमें से डिलीवरी बता दूं मैं 40% के आसपास शेयर में डिलीवर होते हुए नजर आए। एंड जो आज के ट्रांजेक्शन थे अराउंड 281 करोड़ के आसपास के टोटल ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। MOB के टाइम 34,000 शेयरों के साथ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। एंड भाई अगर आप देखोगे भाई स्टॉक का पी तो 43 पे ट्रेड कर रहा है एंड पी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है क्योंकि भाई देखो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो पी बढ़ेगा। एंड यहाँ से अगर बताओ मैं रिजल्ट डेट को लेकर कि भाई देखो रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा, इस क्वार्टर के जो रिजल्ट है ना वो लास्ट ईयर पिछले क्वार्टर दोनों दोनों क्वार्टर से हमें बेटर देखने को मिलेगा, जो पी है ना वो नीचे आता हुआ नजर आएगा। बट अभी रिजल्ट को लेकर यहाँ पे जो आपकी कंपनी इसमें कोई भी अपडेट नहीं किया है, रिजल्ट को लेकर जैसे ही कुछ अपडेट आएगा डेफिनेटली मैं आपको यहाँ से अपडेट करूंगा। एंड आज के ट्रेड चार्ट में आपने देखा स्टॉक में दोस्तों जबरदस्त वोलेटिलिटी यहाँ पे रही है एंड स्टॉक ने यहाँ पे प्रेशर दिखाया है, मतलब देखो एक टाइम ऐसा था स्टॉक नेगेटिव किया ऑलमोस्ट जो ओपनिंग थी स्टॉक की यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग, उससे लेकर देखो कि लो स्टॉक यहाँ पे 64.20 के रहे, मतलब 64.80 पे ओपन हुआ एंड 64.20 तक स्टॉक ने लो भी क्रिएट किए। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना इस स्टॉक के फंडामेंटल, देखिए भाई आप बोलेंगे कि भाई फंडामेंटल तो हमें भी पता है, फंडामेंटल तो बहुत बेटर है, और फंडामेंटल बेटर होने के बावजूद भी तेजी नहीं दिखा रहा है। पिछले एक साल का रिटर्न मार्केट देखो कितना है, ऑलमोस्ट 150% है, तो क्या रिटर्न नहीं दिया, रिटर्न दिया है बस कब कब से नहीं दिया, ऑलमोस्ट पिछले 4-5 महीने से तो कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि भागता रहेगा, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट भी करेगा। एंड ये कंसोलिडेट जून में भी के टाइम एंड मैंने पहले भी कहा था कि बजट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा तो बजट का वेट करें। एंड बजट से पहले दोस्तों बड़ी खरीदारी बड़े फले से माल खरीद रखा है, अब यहाँ से बजट में कुछ अनाउंसमेंट होती है तो निवेश यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा। एंड आपका IRB इंफ्रा भी कल बड़े एक्शन में दिखेगा, ऑलमोस्ट अगर बताऊँ मैं इंफ्रा को लेकर कुछ अगर बड़ी अनाउंसमेंट हुई तो डेफिनेटली यहाँ से 8-9% की तेजी यहाँ पे स्टॉक के अंदर हमें कल ही देखने को मिल सकती है। जैसा कि डाटा अगर बता दूं के टाइम दोस्तों स्टॉक की जो बुक वैल्यू है 22 की है, पीएनबी के टाइम यहाँ पे 67 का दिखा रहा है एंड वहाँ पे पी स्टॉक का 44 का था, रिटर्न ऑन इक्विटी आरओ से स्टॉक की बेटर है। एंड वही अगर देखा जाए मार्केट के 40,000 करोड़ के आसपास है कंपनी का। एंड चार्ट में देखो कि बड़ा कंसोलिडेट स्टॉक भाई यहाँ से देखो जब ये बाउंस आया इसके बाद तो मान के चलो एक बड़े कंसोलिडेट जोन में देखने को मिल चुका है, और मैं बता दूं कि ये कंसोलिडेट हमें देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे फरवरी से कंसोलिडेट कर रहा है ठीक है ना, फरवरी के महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून एंड जुलाई यानी अगस्त आने वाला ऑलमोस्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो ये 7वां महीना हो चुका है स्टॉक को कंसोलिडेट में यहाँ पे गए हुए। अब समझ सकते हो कि जब 7 महीने का ब्रेकआउट देता है तो किस कदर स्टॉक पे रैली बनती है। एंड यहाँ से जिस प्रकार ये जंप आया ना भाई, ये जंप यहाँ पे आगे जाके देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी के टाइम आपको लग रहा है नहीं भागेगा, बट भाई जब आपको ये लगता ना कि नहीं भागता तभी स्टॉक्स में मार्केट में तेजी आ जाती है, ये चीज आप ध्यान रखो। एंड करंटली देखो कंपनी की जैसे कि मैंने बताया कि इस क्वार्टर के रिजल्ट बेटर दिखेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे मार्च का क्वार्टर है जून का क्वार्टर, यहाँ से देखो 1,606 करोड़ का रेवेन्यू 1,626 हुआ, फिर यहाँ पे देखो आप दोस्तों 1,634 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के 1,925 हुआ, फिर यहाँ पे आप देखो दोस्तों 1,620 करोड़ का रेवेन्यू जून में 1,634 हो गया। इस क्वार्टर में अगर बताओ मैं रेवेन्यू की आशा है इस बार रेवेन्यू 2100 करोड़ का देखने को मिल जाए ठीक है, अगर मार्जिन इस क्वार्टर में बढ़ते हैं ऑलमोस्ट 42 के आसपास अगर जाते हैं
तो भाई जो प्रॉफिट है ना आपका नेट प्रॉफिट, वो इस क्वार्टर आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 करोड़ का दिख सकता है, जो कि हिस्ट्री में कंपनी का इतना प्रॉफिट पहली बार होगा। तो कंपनी बेटर है, फंडामेंटल बेटर है, बस लोगों को विश्वास नहीं है अभी के टाइम, लोगों को फोकस में नहीं आया है। जब फोकस में आएगा खरीदना स्टार्ट कर देंगे, सब देखना स्टॉक कहाँ पे जाता है। वही अभी के टाइम बता दूं मैं रिटेल को कितना माल दे रहेगा भाई, ऑल राउंड यहाँ पे देखो 17% हो चुका है पिछले क्वार्टर से, इस क्वार्टर में ऑल राउंड 7% बड़े प्लेस ने प्रॉफिट बुकिंग करी। एंड यहाँ पे क्या लोग बड़े प्लेस ने क्या किया देखो, बड़े प्लेस में ऐसा होता है कि एक खरीदता दूसरा बेचता है, एक खरीदता दूसरा बेचता है। यहाँ पे मैंने भी देखा है कि आपके प्रमोटर्स ने भी थोड़ा सा माल बेचा है, एंड इस प्रमोटर्स का भी माल कहाँ पे है रिटेल में, एंड रिटेल से भी यहाँ पे दोस्तों आपके FIDA का आंकड़ा देखोगे तो उनकी भी थोड़ी सी प्रॉफिट हुई हमें देखने को मिली, क्योंकि लोगों को नेगेटिव लग रही है, बट मैं इसको नेगेटिव नहीं मानता कि FI अभी भी एक हेवी क्वालिटी लेके बैठा हुआ है। देखिए कुछ बजट है तो उसको बजट को लेकर यहाँ पे महत्वपूर्ण स्टॉक आपके रहने वाले हैं जिस पे आपको फोकस करना है। जैसे कि मैं बता दूं, एक तो आपका दोस्तों कलेक्टर ग्रेड टेक रहने वाला है, ठीक है ना, एंड आपका यहाँ पे आरएनएल IFC इकोन ये रहने वाले हैं। दूसरी अगर बात करूँ मैं दोस्तों यहाँ पे तो जो आपके रहने वाले स्टॉक दोस्तों इनमें जैसे कि बता दूं मैं तो यहाँ पे आपके इन्फोसिस भी रहने वाला है डेफिनेटली यहाँ पे, एंड इकोन भी रहने वाला है, सबसे मेन आपका IFC भी रहने वाला है। इसी के साथ अगर देखा जाए दोस्तों तो आपका यहाँ पे जो अदर पावर सेक्टर में इरेडा वाले स्टॉक भी रहेंगे जो कि गवर्नमेंट सेक्टर, टोटल बता दूं मैं तो भाई गवर्नमेंट सेक्टर डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि भाई आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है ना दोस्तों अभी के टाइम अपने जो यहाँ पे पीएस शेयर पिछले एक साल के लेकर अब तक देखोगे ना कितना तगड़ा रिटर्न दे चुके हैं भाई। अगर जो IRP का अगर आंकड़ा देखोगे तो भाई ये भी पिछले एक साल में लगभग अच्छा रिटर्न दिया, बट पिछले 5-7 महीनों से दोस्तों एक लंबा कंसोलिडेट स्टॉक ने किया है, तो ये लोगों को रास नहीं आ रहा। बट देखिए ज्यादातर स्टॉक आपको पता है कि भागते हैं फिर कंसोलिडेट करते हैं फिर यहाँ पे रुक जाते हैं, वही सिस्टम यहाँ पे है। इसको अभी के टाइम कंसोलिडेट जो है जल्दी यहाँ पे ब्रेकआउट लेके बाहर निकलेगा एंड बड़ी तेजी की तरफ जाएगा। 50 के पास स्टॉक अभी के टाइम RSI चल रहा है बिल्कुल बॉटम पे है, एंड यहाँ से कल 11 बजे बजट है तो कल ध्यान रखना मोमेंटम देख सकता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे कल हमें स्टॉक 75 का लेवल ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है इंट्राडे के अंदर, तो ये चीजें ध्यान रखना। एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे।